अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। डिबेट्स तो पूरी कराची से लेके लंडी कोतल तक है, न्यूज़ आपके साथ पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, और एनालिसिस पे अगर एक कोई बयान देता है वेदर इट इज़ अपोजिशन और वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, तो उसके 1027 तर्जुमे निकलते हैं, हर मुख्तलिफ, कोई पॉजिटिव होते हैं, कोई कंस्पिरेटोरियल, कई ऐसे होते हैं ना जिनका कोई सिर होता है ना पैर होता है, और वो कहते हैं ना वो शुरे छोड़ते हैं। बहरहाल यहाँ हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिवली, और जो बात है बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इन द सेंस अब आपके पास ना हमारे पास ना किसी और के पास टाइम रह गया है कि आप किसी नेगेटिविटी में जाएं। इकोनॉमिक कलेप्स है इस वक्त, बहुत मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान को आगे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इलेक्शंस भी हो जाएँ या ना हो। ये एक जिस तरह का इफ्तिखार ने भी बात की थी कि जो मर्जी आ जाए, ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उसके गले में पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हमने ये नहीं करना है जब पड़ गया तो फिर अब वो पुरानी, आपने देखा कि पुरानी हुकूमत जब थी पीटीआई की, लगे हुए थे पीएमएलएन, लगे हुए थे पीएमएलएन चार साल से। अब ये है, ये उन पर लग गए। और भाई हमें ये नहीं चाहिए कि कौन कहाँ किसी पर तनकीद करे, हमें चाहिए रिजल्ट। अभी प्रोग्राम आने से पहले मुझे इफ्तिखार साहब बता रहे केलों का हाल देख लो, सूखे हैं बिल्कुल। हमने कल चोलिस्तान की बात की, सिंध में सारे सूखे, सब ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये हैं बातें करने वाली, ये है इन पे गौर करने वाला? हम यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे की जान बचाई जा रही है, या आप यू नो तबलीगें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। इज़ दिस वॉट पाकिस्तान नीड्स? नो इट डजंट। आज जलसे की बात करें, वो सियालकोट का जलसा पीटीआई, बड़े अफसोस है मुझे कि जो ऑर्गेनाइज़र है, आई विल नॉट ब्लेम इमरान फॉर इट, बट आई विल ब्लेम द ऑर्गेनाइज़र इन सियालकोट। भाई अगर आपने कहीं जलसा कराना है तो अगर एक प्राइवेट लैंड पे है, वेदर इट इज़ अ क्रिश्चियन लैंड, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट एनीबडीज़ लैंड, आप परमिशन तो ले लो ना पहले। आपने नहीं ली, फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर आए, आपको कहा कि जी उन्होंने हमें कंप्लेंट की है, एंड दैट्स द वे इट इज़। खैर अब वीआईपी एक कोई ग्राउंड है उस जगह हो रहा है, और देखते हैं कि आगे इसका क्या बनता है। इफ्तिखार साहब ये मुझे बताएं, अब ये जो कल हम ये सारा सिनेरियो देखेंगे, डू यू थिंक कि मरियम ने भी कहा, मरियम औरंगज़ेब ने, कि जी जो ब्लडी जलसों की बात हो रही है और ब्लडी एक इस तरह की चीज़ है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। सर हम कितनी दफ़ा ये बात दोहराएंगे कि इट इज़ नॉट ए गुड साइन, ब्लडी कस्टम लफ्ज़। देखिए सियासत में होती है, पार्लियामेंट जमहूरियत होती है वोट के लिए, बुलेट्स के ज़रिए नहीं होती, बैलेट के ज़रिए होती है ना। तो बैलेट पे इनको यकीन रखना चाहिए, अगर कौम इनके साथ है जैसा वो तासर दे रहे हैं कि उनके इशारे पे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के माइग्रेशन कर लेंगे उनके तरफ, तो फिर किस बात का खौफ है? इलेक्शन जब भी हों, कल हों, 6 महीने के बाद हों, साल के बाद हों, 1.25 साल के बाद हों, तो लोग तो उनके साथ हैं। ये बात जो आज वाक़ हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि डिप्टी कमिश्नर को गालिबा 9 मई को उन्होंने लिख के दिया था कि ये ग्राउंड हमारी है और हम इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने की इजाज़त दे सकते। आज जब सुबह वहाँ पे पार्टी के वर्कर्स और वहाँ के इंतज़ामिया के दरमियान जो हाथापाई हुई, जो सख्त तलख कलामी हुई, उस पर जो मौक़िफ़ था उस ऑफिसर का, वो बड़ा जर्मन था, और उसने बड़ा खुल के साफ तौर पे, वाजह तौर पे ये कहा इनको कि कैसे हो सकता है कि आप डिप्टी है सियालकोट का, हसन इकबाल। उन्होंने पीटीआई क्या को समझाया कि भाई ये चर्च की है, आज जलसे की इजाज़त अगर उन्होंने नहीं दी आपको, तो आप किसी के घर को ज़बरदस्ती फंक्शन नहीं कर सकते। तो बड़ा जर्मन था, लेकिन उसको जिस तरीके से पीटीआई वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जब भी प्रोटेस्टर आते हैं तो ये इस्तेमाल होते हैं। बल्कि दुनिया में तो एक बहुत खौफनाक चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वो है रबर बुलेट्स, विच आर डेंजरस। अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी से किसी को लग जाए तो देखिए, सिर्फ इंडियंस ही यूज़ करते हैं कश्मीरियों पर। और सर वो तो करते हैं, आपके यूरोप में भी रबर बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो चलेगा, ये जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब आप अपने आप को दुरुस्त समझ रहे हैं और बाकी सबको गलत समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं, चोर समझ रहे हैं, बदयानत समझ रहे हैं। मसलन
इमरान खान ने कहा कि बात यह है कि मैं चाहता था 8-10 लोगों को सजा देना, तो मैं ये किसी ने मदद नहीं की सजा देने में। अगर उन 8-10 लोगों को मैं सजा दे लेता तो एहतसाब बड़ा अच्छा हो जाता, बड़ा मजबूत हो जाता। अब 8-10 लोगों को सजा देने से वही बात जो बार बार मैं कहता हूँ, शायद किसी को पसंद आती नहीं आती, कि मिस्टर इमरान खान मैं आपको 25 नंबर देता हूँ कि आपने जो कोशिश की उसके नतीजे क्या निकले, वो सिस्टम की ख़राबी है, प्रोसिक्यूशन उसमें मसला है, जो नैब का अदारा था मुमकिन है उसने केसेस को संजीदगी से ना बनाया हो, मैं माने लेता हूँ, 25 नंबर आपको मैं देता हूँ, लेकिन जो 75 नंबर और थे, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आपने बात की थी, जो आपने कहा था कि आपके पास एक इतनी पढ़ी लिखी टीम है जो इस मुल्क के ढांचे को बदल देगी, वो इमरान का मौका ये था कि ये ढांचा लुटेरों का ढांचा है, ये लुटेरों को एकोमोडेट करते हैं, आवाम की खिदमत नहीं करते, यही आपको ये कह रहा था। फिर वो हो नहीं सका 4.25 साल में यहाँ, और सेम इज़ दी नाइन ईयर्स लॉन्ग स्टे इन खैबर पख्तूनख्वा। तो उस पर फिर ये बातें कहने, अब उन्होंने तस्लीम किया है कि मैं उस्मान बुज़दार को हटाता, रीजनिंग क्या दे रहे हैं, अगर सुनने वाली रीजनिंग है तो पार्टी तकसीम हो जाती, क्योंकि मुख्तलिफ धड़ों को कोई और शख्स बतौर वज़ीर आला काबिल कबूल ना होता। मुझे लेकिन इफ्तिखार साहब, आप कह रहे हैं पार्टी तकसीम हो जाती, पार्टी तो तकसीम हो गई ना सर। ये नहीं, मैं देखा नहीं, क्योंकि वो कल उसने बहुत ज़बरदस्त बातें की है, मैं उन सारी बातों में अच्छी बात आप देखें जी, आप हाँ ना आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना हम उस पर कमेंट्स करना चाहते, सिर्फ उन्हीं बातों में सियासी नोयत की उसमें भी बात करें, लेकिन आज लेकिन आज फॉर एग्जांपल आज ये क्यों नहीं बात कर रहे विद द एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा है कि पीपल हु मैटर हमने बिल्कुल बंद कर दिया, यू नो आई डोंट वांट टू टॉक नंबर ब्लॉक पीजे क्या बच्चों वाली बात आप करते हैं, ये तो अपना तासर बढ़ाने की बात है ना जी, कि भाई मैं पीजे मीर को पसंद नहीं किया करता लोगों, मैंने पीजे मीर का नंबर ब्लॉक कर दिया, तो पीजे मीर को क्या फर्क पड़ेगा जी, पीजे मीर को क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूं, देर आर 101 अदर वेज इफ आई वांट टू टॉक टू यू और इफ आई वांट टू कन्वे यू। वैसे यू नो आपने बात कर ही दी है, मेरा नंबर ही ब्लॉक है अभी भी। अच्छा, हालांकि आप बड़ा क्लेम करते हो आपका दोस्त है और मेरा दोस्त है बिल्कुल है, और आपके फ्लैट पे पता नहीं आके क्या क्या, नहीं मैं रहता वही था सर, फ्लैट वो नहीं करनी पड़ती, दोस्ती अपनी जगह पे, वो बातें नहीं करनी, आपने मना कर दिया, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो फ्लैट से मुतालिक है। कौन सा फ्लैट? वो जो आपका फ्लैट था और जो इसकी वहाँ पे आमद थी, वहाँ पे जो एक्टिविटी होती थी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, ऐसी के मैंने को लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगला उसने बात जो एस्टैब्लिशमेंट से दूसरा इख्तलाफ मेरा डीजी आईएसआई का, अब इतना ये बात पिट गई है, इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि भाई सर्दियों में अफगानिस्तान की सूरत हाल को कैसे मैनेज करता है, उसको बर्फ पड़ी होती है हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से या इन इलाकों के हवाले से जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे जो भी जंगी काम होता है स्प्रिंग का इंतज़ार किया जाता है, कहता है मुझे उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात की है और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा बिकॉज यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। हमारी हुकूमत के दौरान हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि हमारी हुकूमत कमज़ोर रहे, फैसले तो यही कर रहे थे ना, अपना वो साबिक DGI से भी इनका दोस्त था, इनके साथ थे। इब्तदा में पंजाब में मुस्लिम लीग के 30 अराकीन सूबाई असम्बली हमारे साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। आज लोगों को ताने मारता है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक में चला जाता है, जो पार्टी को छोड़ देता है, वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा आदमी होता है, उसको पकड़ लो सड़क के मारो, अगर उसकी शादी कहीं हो रही है तो नारे मारो, अगर वो किसी होटल में बैठा हो तो उसको होट कर। अब ये कहता ना, और यहाँ पर तस्लीम कर रहा है कि ही डिड इज लेवल बेस्ट टू डू इट। सवाल है कितनी को आप में तजाद हो सकते हैं। इफ्तिखार साहब, जब हम इसकी इमरान की बात करते हैं, मेरी नज़र में जो मेरी एनालिसिस है कि इमरान हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ बैड एडवाइस। आपने अभी गैस की बड़ा जिक्र किया, मैं आज नाम ले ही लूँगा। मैं मुझे इकबाल जेड अहमद ने एक पूरा वो कहते हैं ना इसकी एक पूरी रिपोर्ट दी कि एक पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं लगेगा, एक बाउजर आपका आ जाएगा, पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है। और फिर मैंने आई वेंट टू द PM हाउस, मैंने इमरान में कहा यार देखो गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं जा रहा है, ये प्लीज़ करो। तो ही सेड मैं हमाद को ये दे दूंगा। मैंने कहा ऑल राइट, मैंने कहा बट डू इट, हमें तो कोई 3-4 रुपए की मेरे ख्याल ये मिल रही थी गैस, बिलीव मी अगर वह हो जाता
या इसके जो एडवाइजर्स थे वो कर लेते, आज क्या सिचुएशन होती? फिर एक और, ये जो हुकूमत आज की शोर कर रही है, ये इसकी जो क्या कहते हैं, ये जो मेट्रो सर्विस, सर मेट्रो सर्विस इज़ मोर इट तैयार, मैंने कहा प्लीज़ गेट दिस रिंग राइट। मैंने कहा देखो पब्लिक बहुत तकलीफ है, हर बंदे को तकलीफ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाने के लिए, और आपका इतना आसान काम था क्यों नहीं जिद में किया ना, क्योंकि ये काम पीजे मीर करके गया है, इफ्तिखार में पीजे मीर को पसंद नहीं करता तो उसका हर काम बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स पॉलिटिक्स, ये नहीं है कि आप एडवाइजर्स, क्या थी सर मैं नहीं मानता, मैं फिर आपको ये बड़ा ये पॉजिटिव आदमी सर मैं, लेकिन एडवाइजर्स ओके ये पॉजिटिव है तो सर एडवाइजर घर इसके घुस गए थे इसके घर में कि हमें एडवाइजर रख लो, ठीक है आपके आपके फ्लैट में कोई आदमी घुस के कह सकता है कि पीजे आज से मैं आपका ड्राइवर हूँ, पीजे आज से मैं आपका पीएस हूँ, कह सकता है कोई? नो, जब तक आपकी ख्वाहिश शामिल ना हो। तो मैं नहीं मानता है ऐसी बातों को, मैं मानता हूँ कि इसकी ख्वाहिश है, और जो जिस किस्म की बातें मसलन एक शेख रशीद के बारे में जिन ख्यालात का इजहार इमरान खान ने किया आपके भी में मेरे इलम में भी है, तो फिर उसको उस साथ कौन लेकर चला? मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किसने दी? खुद तो सर उसने मिनिस्ट्री नहीं जाकर टेक ओवर कर लिया, वो चला गया उसने ताला खोल के बैठ गया कि उसने कहा आम दे मिनिस्टर, ऐसा नहीं हुआ, गलतियाँ हुई हैं और उनको गलतियों का ये है। अब चार साल का मोशा जो है उस पर बात करता है, ये कोई ना करे, ये अजीब स्टोरी चला रहा है, ये चाहता है कि इसके माजी में जो इक्तसादी सूरत हाल है वो जेर बहस ना आए, हंगामा एक होता रहे, आग लगती रहे, गोलियां चलाते रहो, मुंह से फायर निकालो, ऐसे ही होता। 189 वाज द रेट व्हेन दे लेफ्ट, 189 रुपीज़, एंड टुडे इज 192 जी 193 नो 189 पे छोड़ के गए हो, तो 189 पे कौन लेके आया था और कहाँ से आया था 189? ये डिबेट भी तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखें पॉलिटिक्स, आई सपोर्ट द पॉलिटिक्स, आई सपोर्ट द जलसा, आई सपोर्ट द जुलूस, लेकिन ये जो पर्सनल लोगों को गाली देना है, उनको बुरा करना है, टारगेट करना है, ये इससे नहीं काम चलेगा। लेकिन बट डोंट यू थिंक यू नो लीविंग पॉलिटिक्स असाइड, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट। इस बीच में बैड डिबेट हुई सर, इसका कौन पहला इकोनॉमिक मैनेजर था मुझे कसम है आपको बताया कौन था? सर असद उमर। असद कहाँ से फर्क हुआ था? एंग्रो से। क्यों फारग हुआ था वो आपको भी पता है, मुझे भी अच्छा, पता है। अगर आपको और मुझे पता है कि इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से एक एंग्रो जैसी फर्म नहीं चला सका, वो पाकिस्तान चला पाता नहीं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और इतना अरसा IMF से बाहर रहने का फैसला क्यों किया? अना की वजह, ईगो का मसला कि मैं चूंकि इमरान खान हूँ और मैं कह बैठा हूँ इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर दोबारा क्यों गए? और जिन शराइत पर गए सर, उन शराइत को मौजूदा हुकूमत को ऑनर करना पड़ेगा, वरना आप बैंक करप्ट हो सकते हैं, आप डिफॉल्ट को फेस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट हैं। ये लेकिन ये नैरेटिव हर एक ने लिया है, देखिए जी गलत है, वो गलत है, आई एग्री विद यू, लेकिन क्योंकि लोगों के आगे बेचना है। देखे ना, हम जब भी आए हमने कहा जी हम IMF से नहीं लेंगे, शौकत अजीज आपके सामने आए, उन्होंने निकाल दिया आपको IMF से, ठीक है जी, डॉलर भी 60 रुपये पे रखा 7 साल। अब मुझे बताएं हम उसके बाद क्यों नहीं कर सके? आप इससे पूछें डॉक्टर सलमान शाह से। दिस इज वेरी, हु डॉक्टर सलमान शाह किसके साथ है सर? ये नहीं, ये तो अब इनके साथ है ना, लेकिन इनसे पूछें कि हमारे पास हर चीज मौजूद थी। मैं तो एक सिंपल सी बात जानता हूँ, आईन और कानून को खिलवाड़ ना बनाओ, आईन और कानून के ताबे चीजें खेलो, ठीक है? हर खेल के कुछ असूल हैं, ये नहीं है कि आप हर रोज अपना ये पोल, ये यहाँ पे आप फुटबॉल खेल रहे हो पोल, यहाँ आप जब मैं गेंद ले आया तो आप पोल उठा के यहाँ ले जाए, ऐसा ना करो, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर फॉर द पार्टी, इट इज नॉट फेयर फॉर योर पर्सनैलिटी एंड कंट्री। उसकी वजह कि आप रोज पोल चेंज करते रहोगे, कभी किसी को गाली, कभी किसी को बुरा कहने, गाली या किसी को बुरा कहने से मसले हल माजी में भी नहीं हुए, अब भी नहीं हुए और आइंदा भी नहीं होंगे। और ये जो तशद्दुद का उनसर है, जो ये बात है, इस किस्म की बात को लेके आना ये मुनासिब नहीं है। आपको मना किया गया कि एक प्रॉपर्टी आपकी इजाज़त नहीं देते प्रॉपर्टी वाले, आप कैसे ज़बरदस्ती वहाँ पर जलसा करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई इजाज़त नहीं देगा, और अगर एक दफ़ा रवायत होगी तो फिर बहुत सारी जगहों पर लोग अपनी मर्जी के जलसे करने शुरू कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहा है कि ये जरदारी नून लीग से मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ के ऐसे ऐसे बदले ले रहे हैं कि बमासूद के वो बदला उनसे ले रहे हैं, इनसे पीपल्स पार्टी से। इसको कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं
आग लगाने वाले, ये पंजाबी में पता नहीं इस पे जरा बात करेंगे, ये वो है आग लगाने वाले लोग। और ब्रेक से पहले ये जो लंदन प्लान है, हर जगह अच्छा लंदन में कोई जाए लंदन प्लान बन जाता है कई दफा बड़ा अच्छा। आप भी पिछले साल में दो दफा हुआ है लंदन से, मैं तो फिर जा रहा हूँ। थर्ड लंदन प्लान, देखिए लंदन प्लान जितने भी बने, आई वॉज पार्ट ऑफ इट देयर, मैंने मुझे पता था कि नून क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, खिलाफ कर रहे थे, नन नो बडी Nobody. Let's go. Can you go now for a break so we can come and... Well, that's it. He said it. Let's go on a break. Join us just after this break. Welcome back to DNA. Baatein to bahut karni hai aur later on we'll do it in the show. के ये जो चोलिस्तान एंड पानी का शॉर्टेज एंड ऑफ कोर्स ये जो केलों के, अभी उन्होंने मुझे बात बताई है, और फ्रूट्स की व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ टोटल फेमिन, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये शेख रशीद का नहीं, शेख साहब का रवैया है, ये पंजाबी में कहते हैं फफे कुटन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे एग्जैक्ट मैंने कहा है तो ये उनका ये रोल है। वो ये कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि ये इनके खिलाफ साजिश की है आसिफ जरदारी ने, जिस साजिश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंस गई है। अब भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग अकेली नहीं है, उस इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा है वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो ऐसे ना कोशिश करो इन औरतों की तरह, ये जो क्या होती हैं पप्पे कुटन औरतों की तरह, और तुम्हें भी पता है कि जो तुम बात कह रहे हो उसके कोई माने नहीं। हाँ, एक धमकी फिर उसने दे दी है, धमकियों का बादशाह है मैं मानता हूँ। नहीं, एक सेकंड, ये आप किस तरह कह सकते हैं, मैंने जो सुना है अपने कानों से, जेलें मेरा ससुराल है और हथकड़ियां मेरा जेवर है। तो अच्छा, तो बेल करान की सर, वो ये सुल्तान राय गलगन था एक हमारा बहुत, आई मीन यू नो इट्स फनी, नहीं नहीं इट्स नॉट फनी, सुल्तान राय बहुत एक इम्पोर्टेंट पंजाबी फिल्म एक्टर था, वो इस किस्म के डायलॉग बोलते थे, ओ तो कोई ऐसा डायलॉग बोल दिया, लेकिन चले और नहीं जेल में रहा है, वैसे ये जेल में रहा है, बहुत ज्यादा रहा है, लंबे ये और जावेद हाशमी, इन दोनों ने बहुत लंबी जेल भुगती है, इतना कह जाता है। लेकिन सिकंदर अच्छा, हाँ जो मैं बाद में कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि फैसलाबाद और मुल्तान में जलसा ना करने दिया गया। भाई किसने रोकना है आपको, आपको जलसा करने से कोई नहीं रोकेगा, कम अज़ कम इफ्तिखार अहमद की तो ख्वाहिश है कि आप जलसे पूरे कर लें, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी को फ़ायदा है, लोगों तक आपका पैगाम जाए, अच्छा है आप बुरे हैं ये लोग फैसला करेंगे कि आप जलसों में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जलसों में आप क्या कह रहे हैं। ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते जितने हम लोग समझते हैं, हम जो ये पढ़े लिखे लोग हैं टाँगें पहन के बैठे हैं, हम लोगों को बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। आप यकीन करें लोग बहुत तेज़ हैं और चालाक हैं, वो टिकटॉक नहीं देखते और समझदार हैं। अब ये कह रहे हैं कि 17 और 18 मई से पीटीआई के कार्यक्रमों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, ख्वाबों की बात, और 20 मई से पहले भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यार आप चले जाओ। वो तो आज वो ख्वाजा आसिफ है भी ब्लेम है कि जी ये सारे जो अरेस्ट करवाए सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने। सर एक वक्त कमाल है, मैं आपकी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ विदाउट योर परमिशन, और आपको मैं कुछ समझाने आ रहा है कि आप पीजे की प्रॉपर्टी में मत जाओ, क्या पीजे ने परमिशन दी है, मेरे पास पीजे की परमिशन नहीं है, तो फिर आपकी मदद के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा यहाँ से बाहर निकलो, भैया दैट इज ऑल, इट्स वेरी नेचुरल, बट आई थिंक सेंसिबिलिटी प्रिवेल कर गई, अब ये कहीं और हो रहा है वीआईपी दे दी, देखो ना हो रहा है ना, इसके जो देख रहे हैं जो जैसा जो कुछ भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देखिए सर अगर आपको मैं मजबूर कर दूं कि आप मुझे गाली दें, तो इससे मेरा आपको मजबूर करने का अमल जो है ना और आपका गाली देने का अमल, इसमें बड़ा फर्क होता है, टाइम होता है। एक श्रेय ऐसा कि आप तंग आ जाते हो, कहते हो। अच्छा, इसके साथ ही मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि बस 48 घंटे हैं और इसके अंदर एक मुशावरत के बाद यू नो जो फैसले होंगे हम आपको। सर फैसले तो मुझे वही तवक्को है जो मैंने आपसे कल हमने अपने प्रोग्राम में बहुत डिटेल डिस्कशन की है, ये पैसे बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, ये इसका इलेक्शन ही अनाउंस करेंगे, इलेक्शन नहीं अभी अनाउंस करेंगे, डेट नहीं, वो इलेक्शन कोई नहीं अनाउंस होता है। देखिए 7 अक्टूबर से पहले इलेक्शन अनाउंस हो नहीं सकता, ये बात आप कितनी दफ़ा समझना चाहते हैं। वो तो बैठे हैं जाने के लिए इस्लामाबाद, जाएं जरूर जाएं, मैं उनका शहर है, दे कैन मूव, अच्छी जगह, मैं आई विल प्रपोज टू दिस, पता नहीं अब इस्लामाबाद की ज्यूडिशन में आता है या रावलपिंडी की ज्यूडिशन में आता है, जिसकी भी ज्यूडिशन को अच्छी जगह दी जाए, ऐसा इहतमाम किया जाए, वहाँ पर टॉयलेट भी बन सकें, वहाँ पर खाना भी ये पका सकें। हमने कल देखा ना वो टेरिस स्क्वायर का, हैव यू सीन दैट टेरिस स्क्वायर, टेंट लगे हुए और सब कुछ,
ऐसी जगह होनी चाहिए इनके लिए, या फिर सुकून से रहे, पानी वानी का इंतज़ाम इनको करके दे, टैंकर से होते पानी के, और पैसा चार्ज करें जितना टैंकर ये लेना चाहते हैं पानी के अपने इस्तेमाल के लिए। और इनको इंतज़ाम तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, एक शहर बसाना पड़ेगा, बल्कि काफ़ी पैसा मेरा ख्याल है इनके पास। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। दुनिया के अंदर इस तरह के बड़े एहतजाज होते हैं, वहाँ तो कोई पानी नहीं किसी को देता है, वहाँ तो वाटर गन्स मारते हैं, भागो यहाँ से। तो ये मुझे बताएं, यहाँ आपके लिए खैमे भी लगाओ, फैसिलिटेट भी करो, यू नो, एंड देन से कि भाई प्रोटेस्ट भी करो। वहाँ पे इनके लिए खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो इनके लिए कुछ छोटी डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, और जो ये वो होती है उधर 112 की इनको मदद भी होनी चाहिए। आई वांट टू गिव देम, मगर मैं हूँ हुक्मरान, यकीन करो मैं इनको कहूँ अच्छी जगह चुन के कहूँ कम ऑन एंड एंजॉय इट, और अल्लाह खास अल्लाह, डू नॉट डिस्टर्ब द पीपल, डू नॉट टेक लॉ इन योर हैंड, Do not incite the people, जो मर्जी करो। ओके, और ये तीन चीज़ें जो हैं ये गलत है। नहीं देखिए, उनका राइट है, जिस तरह हम यहाँ बैठ के कहते थे आज के जो गवर्नमेंट है ये जब जुलूस निकालती थी हम कहते इनका राइट है बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, बट और इनका भी है, लेकिन सर देर इज़ ए बिग बट एंड विद अ डबल टी के आपकी जो मईशत है इस वक्त, अगर आप ये कर रहे हैं सर, आपने ये जो गवर्नमेंट है आज की, यही शोर कर रही थी ना कि जिन शिपी का विजिट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज हाल ये अफशाह महमूद कुरैशी ही पढ़ा लिखा था। हाँ, ये जो लंदन प्लान अब उसका उसको लंदन प्लान से क्या मिला था, फिक्र सुनिएगा। कल रात तक ज़िली इंतजामी और हमारे कारकुनान मिलकर सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे रहे थे, खुदा जाने क्या हो गया, एक फ़ोन आया और इंतजामिया का रवैया बदल गया। इसका ख्याल है कि सियालकोट के एक जलसे की खातर ये सब लोग लंदन में इकट्ठे हुए थे। Well, that is your observation. The paper is with you also. आप भी पढ़ के आप अपनी observation दे। नहीं बिल्कुल सही है। You have got this paper. I have exactly. लेकिन देखिए ना, London plan में तो शाह साहब खुद भी कई दफा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, छोड़ देना सर, लंदन प्लान इफ यू कोई ऐसी कोई कंस्पिरेसी नहीं है, डेमोक्रेसी आप उसमें शामिल थे, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, आप वो तमाम जो शुरुआत थे उसके साथ एक दो जगह पे खड़े भी हुए हैं, और गालिबन ये भी कहा जाता है कि उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे दस्तखत है। मेरे पास वाहिद डॉक्यूमेंट है जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों ने साइन। मुझे बताएं कि लंदन प्लान तो फिर ये होता है, डेमोक्रेसी के बिलीव भी तो होता है ना, हर लंदन प्लान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये गलत है। और लंदन में क्यों लोग मिलते हैं, यहाँ की जो जो एजेंसी हैं जो डब क्या करती हैं, वो सुनती हैं आपको, जो आपको सर्विस करती हैं, उनसे बाहर जाके इंडिपेंडेंट फिजा में बात, एजेंसियां अपनी हैं सर, बात अपने भी हों, लेकिन सर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मसलन मैं और आप एक कारोबार करना चाहते हैं सरमायाकारी, और मुझे और आपको पता है कि आज हम सरमायाकारी करें तो कल हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो मेरी और आपकी ख्वाहिश होगी कि हमारी ये बात किसी और बिजनेसमैन को ना पता लगे, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं और आप बात कर रहे हैं कि यार ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सा बिजनेस है, पॉलिटिक्स हैज बिकम ए बिजनेस नाउ, ये हेलीकॉप्टर पे आना और जलसा गाह में उतरना ये सब करते हैं, और जब सवाल जब सवाल किया जाए हेलीकॉप्टर कहाँ से आया है तो उसके पैसे कौन दे रहा है, ये वो महमूद साहब आया, एक मसला होता है सर ये जो मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो सरकारी होते हैं ना जहाज या हेलीकॉप्टर, इसमें जो लिखना पड़ती है एक लिस्ट में कि कौन लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब फिर उसका चीफ मिनिस्टर का नाम आएगा तो कहा जाएगा चौका चीफ मिनिस्टर ट्रैवल कर रहा था, सो जस्टिफिकेशन वाज देयर। बिल्कुल, मैं ब्रेक्स जाने से पहले एक बड़ा इंसिडेंट मुझे याद है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी अगेंस्ट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो यहाँ से वॉल्टन से हेलीकॉप्टर में मैं, नवाज शरीफ, मुशाहिद हुसैन, इसहाक डार सारे गए, तो खैर जब उतरे तो एक बंदा भागता हुआ आया तो नवाज शरीफ को कहता है कि सर वो कस्टम्स वाले आ गए तो वो कह रहे हैं ये हेलीकॉप्टर में जब्त करना है, तो नवाज शरीफ कहते हैं भाई इनको चाबियां दे दो, उनको बोले हेलीकॉप्टर ले जाएं यहाँ से, यू नो इट वाज सो फनी कि आप जा रहे हैं वो नो कॉन्फिडेंस, वो एक बंदा कस्टम वाला आ रहा है कि जी आपको हेलीकॉप्टर आपको ले जाए। बहरहाल बड़े ऐसी स्टोरीज हैं और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। ये जो कुर्सी होती है इफ्तिखार साहब की और मेरी, ये और हमारे बाकी जो कॉलीग्स हैं जब आते हैं, हमारी कुर्सी होती है एज अ जज, हम एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ अपनी, वो कहते हैं ना जज इन द सेंस नहीं कि आप डिसीजंस दें, आप ओपिनियन हम क्रिएट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे
We cannot be parting this side or that side. We have to be fair and within the domains of balance. अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जर्नलिस्ट को कहें अल्लाह ही हाफिज़ है। अब बात आती है कि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो जैसे चल रही है, आगे इसको ब्रेक्स कौन मारेगा, ये न्यूट्रल है नॉन न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर लगेगा सेकंड लगेगा या रिवर्स गियर लगेगा, वी डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो है वो है इस वक्त जो आपके सामने एक फैमन की सूरत अख्तियार कर रहा है। 45 डिग्री है आज लाहौर के अंदर, आप इस्लामाबाद देख लें 41, आई मीन लुक एट द टेम्परेचर्स। और इफ्तिखार साहब आपने तो मुझे आज डराया है प्रोग्राम से पहले कि केले की क्या हालत है। क्या केले के जो वहाँ पे के हैं फसलें वो उनके अगर आप पत्ते देखें तो वो जल गए हैं, बर्न हो गए हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और केले की फसल बहुत इंपॉर्टेंट फसल है वहाँ के लोगों के लिए, बहुत पैसा कमाते हैं वो केले की फसल से। असल में सर बात यह है, पानी ना हो तो सहरा में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनका जो माल मवेशी मर जाए ना तो ऐसे है जैसे उनके घर का कोई आदमी मर गया। बिल्कुल, क्योंकि उनका माल मवेशी ही उनकी ज़िंदगी है, वही उनकी सारी कुल पूंजी है, उसी से वो दूध निकालते हैं, उसी से वो दही बनाते हैं, उसी से वो मक्खन में करते हैं, उसी को बेच के वो अपना कारोबार करते हैं। तो सहरा में जो पसमानदगी है ये तस्वर नहीं आप कर सकते। हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें तो करते हैं ना, बड़ी अगर प्रैक्टिकली आप वहाँ पर जाके देखें तो वो बड़े हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ज़िंदगी वो गुजारते हैं। चाइना में सहरा बहुत है, और चाइना ने बहुत पहले से इस बात पर गौर किया कि हम करेंगे क्या, क्योंकि उनकी आबादी तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो उन्होंने डेजर्ट इंडस्ट्री के नाम से काम शुरू किया, डेजर्ट इंडस्ट्री उसको कहा, और तजर्बे किए, और उन्होंने फिर ऐसे तजर्बे भी कमे भी कि सॉयल लेस काश्तकारी भी उन्होंने शुरू कर दी। अब हमें भी सोचना चाहिए इस वाक्य के बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, मैंने दिस इज़ ए वार्निंग नॉट फॉर यू एंड मी और इट इज़ अ वार्निंग फॉर माई डिपार्टमेंट्स, मेरे वो माहरीन जो हैं जो तहकीक करते हैं, ख़ासतौर पर वो माहरीन जिनका तल्लक ज़रात से है, क्या वो सोचें कि अभी होना क्या है। क्योंकि बारिशों का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसको आप कल कह रहे थे वो टोबे होते हैं जी, वो रखे वहीं पर, इंसान भी पानी पीता है, जानवर भी वहीं से पानी पीता है। एक तो अगर बारिशें नहीं होंगी और टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो टोबे भी कम हो जाएंगे, पानी भी कम हो जाएगा, तो डेथ होगी। आई हैव सीन 3 गर्ल्स डाइंग हमारे इस पंजाब के जो है जो डेजर्ट, वो बेचारी स्कूल में से जा रही थी तो वहाँ पे फंस गई, रास्ता भूल गई, एंड दे डाइड ओवर देयर। क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाए आप तो यू गो टू दी ऑलमाइटी अल्लाह। अब बात यह है कि सहरा में बारिश को महफूज कैसे किया जाए, ये भी हमारा है सर। आप और क्यों नहीं जाते, आपके पास पहले अंग्रेज यहाँ छोड़ के गया, कारेज सिस्टम। सर कारेज सिस्टम जो है बलूचिस्तान का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो बड़ा ही साइंटिफिक बुनियादों बनाए हुए, वो गहरे कुएँ हैं, पानी वहाँ पे गया था, पानी वहीं पे उस वो सूरज की तपश से या गर्मी से वो नहीं होता, उस बुखारात में नहीं जाता, वहीं पे रहता है। हमने तो कारेज तोड़ दिए हैं, बनाने की और बात है। लेकिन सर ये जो कुछ भी हो रहा है चोलिस्तान में खा हो रहा है, खा ये चोलिस्तान के मुल्का इलाकों में हो रहा है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी हमारी हमारे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथी हैं, हमारे सज्जन हैं। हम क्या करें, हम थर और चोलिस्तान क्या वी मस्ट रीच। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि इफ चाइना कैन गो फॉर ए डेजर्ट इंडस्ट्री व्हाई कांट वी लर्न फ्रॉम, हम उनसे सीखते क्यों नहीं। आपके पास एक चीज़ है जो आप सीख चुके हो, मैंने आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है ना, मैंने आपके पास आना है कि पीजे जो गाड़ी तुम्हारी ख़राब नहीं होती तुम क्या करते हो, तो फिर आपका महकमा ज़रा सो रहा है। बट आई वॉन्ट मेक अ जजमेंट, बट आई फील कि आपके इस सवाल में ट्रुथ कहीं छुपा हुआ है। आई एग्री विद यू, बिकॉज देखें ना जो आप एजेंसी मुझे बता रहे हैं, पूरी कौम को बता रहे हैं, और चोलिस्तान में हम टीवी पे देख रहे हैं, 12 बंदे डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सवाल लोग उठा रहे हैं कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारान की निगाह में ये क्यों नहीं आ सका कि क्या होने जा रहा है, और उन्होंने क्यों नहीं सहराओं को सरसब्ज जंगलों में बदला। दैट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन हम क्वेश्चन करते हैं, ये कब जाएगा, वो कब आएगा, लंदन में क्या बात हुई, इलेक्शन कल हो रहा है या परसों हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए और सर मुसलसल उलझे हुए हैं। और माशाल्लाह आप जैसे और मेरे जैसे साफी कौम को और उलझाए दे रहे हैं, हम उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं उनको भी चस्का पड़ गया। अब ये चोरस्तान की बात क्या, दोनों बैठे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, टोबों की बात कर रहे हैं, कहते भेड़ बकरियां मर गई तो उनके खानदानों को मातम आ जाते, क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा बलूचिस्तान की बात ही नहीं होती, यस
सर आप बलूचिस्तान की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जो बलूचिस्तान में जुल्म होता है हम उसकी बात नहीं कहते। हमने प्रोग्राम किए अच्छे, आपने, मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर, आपको पता है वो जो एक डिमांड ग्वादर की थी, जी जी बिल्कुल, तो उसमें वी वर दी ओनली फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन जिसने ग्वादर के उन मुतालबात के बारे में आवाज उठाई। ये हमारा फर्ज है, ऐसा नहीं है, दिस इज आर ड्यूटी। तो मैं ये समझता हूँ ये चोलिस्तान में जो हो रहा है इस पर वी हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर फ्यूचर। और लाड़काना में, कंबर में, शदादकोट में नहरी पानी नहीं है, 14 लाख का रकबा है वो बंजर होता जा रहा है उनका, वो अजीब शोर मचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठट्ठा में पानी नहीं, ठट्ठा में भी पानी की किल्लत है। वो कह रहे हैं कि केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में पानी नहीं है। सो दीज आर द सीरियस थिंग। और वो कह रहे हैं कि सिंध के बैराजों में पानी मजीद कम हो रहा है, दिस इज अनदर सीरियस थिंग। ये दो सूबों के दरमियान ये इशू है। वो कह रहे हैं कि जो सिंध के बैराजों में पानी मजीद कम रहेगा, बैराजों में पानी कम होगा तो उनको पानी पीने को भी कम मिलेगा। चले एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। हम जब पानी की बात करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, बर्तानिया, इंग्लैंड, यूके, जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ बारिश होती है, बारिश ना हो यहाँ पानी मिलता ही नहीं है पीने को। यस, लेकिन इन्होंने हर शहर के बाहर रिजर्वायर्स लगाए हुए हैं जो कि आपको फीड करता रहता है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स है। ओह यस, हाँ, फिल्ट्रेशन यानी गंदे पानी को साफ करते हैं एंड देन वो इस काबिल बनाते हैं कि शहरी इस्तेमाल कर सके। Why can't we do it? हमारे पास तो रेनफेड रिवर्स हैं, ग्लेशियल वाटर है, नेचुरल रिवर कोई नहीं है पाकिस्तान में। सो वाई डोंट वी, जिस तरह ये खास बात करें, वाई डोंट वी थिंक अहेड आउट ऑफ द बॉक्स। और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। इस सेगमेंट में हमने बात करनी है और बड़े अफसोस से कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट अकले जो कि जिनका ताल्लुका मैं कहूँगा अल जजीरा था, बट शी वॉज़ ए पैलेस्टीनियन टर्नड अमेरिकन, और फिर उसके बाद वो कवर कर रही थी जो इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑन अ डेली बेसिस पर्टिकुलरली रामला में, जिसको पता है कि इसराइल किस तरह है, तो ये आप कह लें कि डेड सी है, उसके साथ साथ एक रोड जाती है, बड़ी लंबी सी रोड है, मैं उस पर गया हुआ हूँ, वो उस रोड पे इधर से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो क्रॉस भी करते हैं, अंदर जाके काम भी करते हैं इसराइल में, और फिर वापस चले जाते हैं। ये इलीगल है बाय द वे, इफ़ दे आर शॉट वो दे विल बी टर्म्ड एज इलीगल पीपल हु हैव ट्रेसपास्ड इनटू इसराइल, लेकिन ये उनको बिकॉज दे नीड लेबर वो करते हैं। लेकिन ये जो कल इंसिडेंट हुआ है इनके ताबूत के साथ, मुझे ये बताए, और कितना बड़ा जनाजा? तो ये बहुत बड़ा जनाजा था और इस बदतमीजी का मुजाहरा वो कर रहे थे कि वो ताबूत को छीनना चाह रहे थे, और एक दो दफ़ा तो ताबूत ज़मीन पे तकरीबन गिर गया था, बड़ी मुश्किल से वो उठाया गया। अब देखें, अमेरिका के वज़ीरे खारजा ने मजम्मत की है इसराइली पुलिस के इस रवैये की, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस में एक मीटिंग बुलाई और उसमें बात की, और उसने इस मसले में उर्दन के जो हुक्मरान हैं अब्दुल्ला सानी उनसे भी बात की है। यूरोपीय यूनियन की जानब से एक ट्वीट में कहा गया कि सेंट जोसेफ अस्पताल के पुरतशद्दद मनाजर काबिल अफसोस हैं, और ऐसे मौके पर इसराइली पुलिस का ताकत और कुव्वत का गैर जरूरी इस्तेमाल भी गैर मुनासिब था। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि इसराइली पुलिस की कार्रवाई से आलमी इदारे के सरबराह को सदमा पहुँचा है। आप अंदाजा करें ये एक खातून ने कितनी इंटरनेशनल इम्पैक्ट की। 1971 में शी वॉज बॉर्न, अमेरिकन थी बाई, जो उसके पास शहरियत थी वो अमेरिकन की थी, शी वॉज ए टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट थी, और अल जजीरा के साथ 1997 से काम कर रही है। 1997 इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और पुलिस को क्या उलझन हुई? वो कह रही है कि ये कौम प्रस्ताना जो गीत गा रहे हैं आप, इससे आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, आपको जनाजे में कौम परस्ती के गीत नहीं गाने चाहिए। ये था जी इसराइली पुलिस का इख्तलाफ कि डेमोक्रेट, और उसने कहा कि बोलो फिर तो गलत है भाई, दुनिया में बात फिर वहीं पे आ जाएगी पीछे में, और आप जज्बाती हो जाएंगे कि दुनिया हम हमारे हवाले से जहाँ हमारा कोई इंटरेस्ट है मुसलमानों का, भला कि ये औरत मुसलमान नहीं थी, शी वॉज नॉट मुस्लिम, शी वॉज क्रिश्चन थी, हाँ क्रिश्चन थी, ठीक है। लेकिन जो ये जिनको रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनका मुकदमा लड़ रही थी, वो मुसलमानों का मुकदमा ज़्यादा लड़ रही थी ना, तो उस मुकदमा लड़ने के नतीजे में आपने उसको शूट करके मार दिया, तो दुनिया को इतना इस हद तक ख्याल आया, वो भी शायद इसलिए आया कि अमेरिकन
सिटीजन अमेरिकन नेशनैलिटी रखती थी और क्रिश्चियन थी, लेकिन सारे दुनिया को शर्म आनी चाहिए जो हो रहा है। यानी जनाजे को छीनने की कोशिश की गई, वही हरकत जो कश्मीर में हुई, फ्यू रिमेंबर वो जनाजा जिनका था जनाजा गिलानी साहब का, और कहा गया कि इसको कहाँ दफनाना है और कैसे दफनाने, डू यू रिमेंबर दैट इंटरवेंशन बाय द इंडियन बाय द इंडियंस, ये हरकत वहाँ पे हो रही है। तो हम ना सिर्फ कंडेम करते बल्कि ये गलत है सर, कुछ चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। इंसानियत जो है वो भी कोई एक चीज़ है ना, कोई इंसानियत नाम की जिसको हम बिलीव करते हैं, हम सब बिलीव करते हैं, खा हिंदू हैं, खा ईसाई हैं, खा मुसलमान हैं, खा बुद्ध हैं, खा कन्फ्यूशियस हैं, वी बिलीव इन सम मॉरल वैल्यूज़। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आप अपनी सियासत में इंसानियत लेके आए, फिर हम और भी इस पर बात करेंगे, बट यू टोटली राइट। क्योंकि देखें ना, तलखी से ही तलखी बढ़ती है, अगर आप तलख होंगे तो तलख अगला भी होगा। तो ये हमारी सियासत के अंदर भी यही है। मैं तो पहले कहता हूँ, देखो हम ज़रूर बात करते हैं पैलेस्टाइन पे, ज़रूर करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मैं बायस्ड हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, बिकॉज मेरे लिए कश्मीर सबसे, मैं बायस्ड हूँ, आप भी बायस्ड होते हैं, हम बायस्ड होते हैं। जो कहते हैं ना कि लोग बायस नहीं, तो नो, हम मैं बायस हूँ, मैं गुरबत के खिलाफ बायस हूँ, बिल्कुल, मैं गरीबों के हमायत में मैं बायस्ड हूँ, अगेंस्ट रिच पीपल, मेरे भी बायसेस हैं, लेकिन मेरे बायसेस बड़े क्लियर हैं। What if you become rich? I will try to accommodate few of my money for my people who serves me. Well done. And I will try कि उनके बच्चों को अगर मैं अच्छी तालीम दिलवा सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि वो जिंदगी में वो बुनियादी सहूलत जो है उनको वो प्रोवाइड में कर सकूं। ये मेरी फिर जिम्मेदारी बन जाएगी अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दे दिया, तो इसलिए तो नहीं दिया कि मैं शराब में लगाऊँ और औरतों के डांस करूँ और फार्म हाउस पे नाच गाने की महफिलें सजाऊँ। नहीं, आई है फर्स्ट, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ जो है मैं उसके बच्चों को का फ्यूचर देखूं। इफ्तिखार साहब, लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन। थैंक डीएनए। आखिर में उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, आपके पास पैसे हैं ना, आज गुर्बत इतनी है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। कोई बोलेगा नहीं कि मेरी हेल्प करो। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, बड़े खुदार हैं, ये कभी नहीं मांगेंगे आपसे पैसे। आप जाएँ, खुद जाएं, अपने दोस्तों का करें। अगर आप नहीं करोगे, what will happen? Somebody else will be eating away all your money. सबने मर जाने, हम सबने, हमें एक कफन है, एक जैसा कफन पहना है। मैं तो मजाक करता हूँ, ये पैसे वाले लोग हैं, कभी किसी ने दो कमीजें पहनी है एक वक्त पे नहीं, किसी ने दो सूट एक वक्त पे पहने नहीं, किसी ने दो कारों में एक वक्त पे सफर किया नहीं, किसी ने दो हेलीकॉप्टर में एक वक्त पे सफर किया नहीं। जब नहीं कर सकते तो खुदा का खौफ करो। हाँ, इंसान की जरूरत है बुनियादी, उनको एंजॉय करो, लेकिन दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचाओ। बिल्कुल सही। और एंड में याद रखना, कफन की कोई जेब नहीं है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।